अबे कितना मेरी लगा तुम्हारा? चार। कितनी सी जीपी है? सी जीपी है? साला बालू काट दिया उसका। ये गलत फहमी है कि एलपी में सब अमीर लौंडे पड़ते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो देखो बेचारे को, शरीर देख लो, कपड़े देख लो, हर चीज में गरीबी झलक रही है। साले यहाँ गाली भी सारे इंग्लिश में देते हैं। पेपर बहुत बेकार जाएगा, साफ साफ बात। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है सैटरडे और सैटरडे को भी हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगा दी गई है, इसीलिए हम सी और ऊपर से सीए भी आज हमारा, इसीलिए अभी हम आपको कैंपस में दिख रहे हैं। नहीं, अकॉर्डिंग टू टाइम अभी हम इसके रूम फगवारे पे रहते हैं और अभी डांस कर रहे होते हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। लेकिन आज हमें क्लास करना पड़ेगा और एक एग्ज़ाम भी है सीए, वो भी देना पड़ेगा, वो भी सी का। तो वो भी सी का। आज का दिन बहुत बोरिंग है हमारे लिए, पूरा नहा धोआ कर आ जाया। देखो साले मैं डेली नहा के आता हूं, डेली। अरे मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, मैं डेली नहा के, ये डेली नहा के आता है। इसका टीका देखो, नहाता है फिर जाता है जय बजरंग बली उनके मंदिर, पूजा करता है उसके बाद आता है हमारे कॉलेज में। लेकिन एक चीज़ ख़राब है, कोई टेंपल नहीं है, पूजा नहीं कर पाओगे आप, तो इसीलिए पूजा नहीं कर पाओगे, कोई फेस्टिवल भी इसीलिए सरस्वती पूजा वगैरह नहीं होता इसका। ठीक है, इसके रूम के बाहर ही हनुमान जी का टेंपल है, जाता है मस्त पूजा करके नहा के आता है। बहुत बड़ा मंदिर है और हमें देखो ऐसे ही आना पड़ता नहा के। अभी एक बज रहा है ना, इसलिए अभी हम नहा के आए, नहीं तो सुबह 8 बजे होता तो हम नहीं आते नहा के। कैंपस बहुत खाली है आज क्योंकि सैटरडे को क्लास होती नहीं है, बस बहुत कुछ बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है, जैसे हमारी आज लगी है, लेट बैच वाले बच्चों। हाँ, और जिनका री वगैरह भी लगता है ना, उनका भी लगता है। री का ये चल रहा है पता है तुमको, डाउट क्लासेस आज तुमको नहीं लेनी है। डाउट तुमको नहीं लेनी, वो बात अलग है। मेरे रूममेट को फोन आया था ये क्यों नहीं लिया, हमसे कहेगा हमको नहीं लेनी, हमारे बेटा बता रहा है। चार मेरी लगी है इसकी, चार में, एक में नहीं चार में, और उसके बाद भी एकदम रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं है। और री का फॉर्म भी नहीं भरा, बोल रहे अभी पास ही नहीं होना, जून जुलाई में भरे। अबे कितना मेरी लगा तुम्हारा? चार। कितनी सी जीपी है? सी जीपी है? ढाई। साला कितना प्राउड से बोलता है जैसे 8-9 सी जीपी लाया है। क्लियर कर लेगा अभी जून जुलाई में, क्या दिक्कत है? फॉर्म भी नहीं भरा है ना, जुलाई में भरेंगे, जून में। हमको लग रहा है हम जब फोर्थ ईयर में होंगे तब ये री, इसके पास 15-16 री बची होगी। अटेंडेंस कितना है? 69। अबे बढ़ गया, अबे 38 था कि 39। अभी देखो रेगुलर क्लासेस आ रहा है, अभी आ रहा है मसूरी से, इसीलिए इसका अटेंडेंस बढ़ गया, रोज क्लास जा रहा है। मेरे अपने ब्लॉग मेरे को वो बनाएगा कॉलेज का सबसे झाटू लौंडा नहीं होता वो। अबे तो हो भी, लेकिन बात सही है, तुम हो नहीं बताओ। तुम अभी चलो, तुम पेपर दे लो, हम दे ले, अकेले बैठ के कौन ज्यादा नंबर ले। भाई रिजल्ट मैटर करता है, कैसे भी तुम नंबर लाओ, समझे? जरूरी नहीं है पढ़ के लाओ या कैसे भी लाओ। चोरी करो मगर पकड़े ना जाओ, पकड़े ना जाओ। चोरी करना पाप नहीं, पकड़े जाना पाप है। बस ले और भेज देता हूँ। आए थे क्लास जाने के लिए लेकिन यहाँ सोए हैं ब्रेंच पे, क्योंकि साला खुद नहीं गया, हमको भी नहीं जाने दिया। मैंने कहा तू जा अभी जा क्लास, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मेरे को लगा 2 घंटा पहले आया तो क्लास जाने के लिए आया है। तो हम भी तैयार होके आ गए, लेकिन बोल रहा है देखने आए हैं हम रूम में, देखने नहीं तो देखने आए, क्या करेंगे कॉलेज। और हमारी एक मैम थी अंजलि मैडम, वो भी नहीं आई, तो अकेले तो हम जाएंगे नहीं क्लास। दो जिगड़ी हैं, दोनों नहीं जा रहे, तो हम क्या करने। तीसरा जिगड़ी भी है तुम्हारा, एक पांडे नहीं आदर्श आदर्श। तो कोई आ नहीं रहा, हम भी नहीं जा रहे, मस्त यहाँ ब्रेंच पे सोए हैं। देखो तो सर एक लौंडा था, देखो दो दोस्त और आ गए, दोनों बकचोदी कर रहे, जाने नहीं दे रहे। अरे कुछ कर रहा है इधर, अरे मैं कर रहा कुछ इधर पीछे। एक भी था, अरे बॉडी दिखा ना, बाइसेप्स ऐसे दिखा, बाइसेप्स बाइसेप्स ऐसे करो ना, मौजवा आ जाओ, अबे करो ना दिखना। 6 महीने रुक जाओ, एक सेमेस्टर रुक जाओ, मेरी बॉडी बन। अबे एक बार ऐसे करो ना, नहीं अबे साथ में करेंगे मां के लिए। क्या ऐसे करो, दिखाई नहीं तो क्या दिखा। कितना अंडा खा रहे हो? पांच अंडा। और क्या क्या खा रहे हो? और कुछ नहीं खा रहे, बस अंडे पे। व्हाट द फक, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। गुस्सा आ गई, कुछ हुआ होगा।
साले यहाँ गाली भी सारे इंग्लिश में देते हैं, हिंदी गाली नहीं चलता यहाँ पे, इंग्लिश 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 कैसे नहीं, वो मदर कर बिच, ऐसे कौन गाली देता है, गाली देने में फील ही नहीं आएगा। अमीर के चोदे बहुत है हमारे कॉलेज में, अमीर नहीं रिच के चोदे। अबे रुको, वो जूस वाला एक ये नहीं आता है ग्लास, क्या नाम है उसका, जैक डेनियल, हाँ ब्लैक जैक डेनियल वाला। कोई भी जूस का ग्लास खरीदते हैं 50 रुपए वाला, जो स्टारबक्स में जैसा मिलता है वैसा कॉलेज में सस्ते वाला मिलता है, 50 रुपए का खरीदते हैं और पूरा कॉलेज लेके घूमते हैं, और पूरा कॉलेज का जो है ना चक्कर मार लेंगे 2-3 राउंड, जब तक वो ग्लास लेकर नहीं मारेंगे तब तक उनका पैसा वसूल नहीं होता। तो बताओ 50 रुपए का, हम वहाँ 40 हम 40 रुपए दाम है, हम उसको खरीदते हैं और 2 सेकंड बस ऐसे किया खत्म, वही फेंक के निकल जाते हैं। और ये लोग देखो यहाँ से 5 मिनट लगता है, दूर है दुकान, वहाँ से खरीदते हैं। दुकान नहीं, शॉप बोलो, एलपी में पढ़ रहे हो तुम। ये लोग वो ग्लास एक खरीदते हैं और उसको फूड कोर्ट बोलो, अच्छा फूड कोर्ट, और उसको खरीदते हैं एक ग्लास 50 रुपए का और उसका 2 राउंड मारते हैं कॉलेज का 50 पे, और वो साला खाली रहता है उसमें, इतना छोड़ देते हैं दिखाने के लिए। और ज्यादातर ऐसा लड़की ही करती है, लड़का भी करता है छपड़ी टाइप। बताओ लॉजिकल ऑपरेटर बताओ क्या होते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर बताओ क्या होते हैं। 4 CGPA, 4 में री लगा है, उसके बाद अब पढ़ने लगा है लड़का। साला 3 को तो एग्जाम हुआ था, इसका 4 में कैसे री आ गया, प्रैक्टिकल में भी लगा है, प्रैक्टिकल में जिसमें कुछ नहीं करना था उसमें भी री लग गया। हमारा पायथन में सबसे ज्यादा नंबर आया 85 ना, अबे सबसे ज्यादा उसमें है ओरिएंटेशन में, उसमें वो आया है वो मतलब 90 अबव, और इसमें 80 अबव आया है, A+, 2 नंबर पे है मेरा। दिखाओ साला, बालू खा दिया उसका। ये गलत फहमी है कि एलपी में सब अमीर लौंडे पढ़ते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो देखो बेचारे को, शरीर देख लो, कपड़े देख लो, हर चीज में गरीबी झलक रही है। अबे लेकिन पैंट मालूम है वही पहनता है जिसका पैर भी गोरा होता है, ये साला प्योर ब्लैक है इसका पैर। घूम रही होगा, देखो वो जो हम केन वाला बात बोले थे ना, वो अभी आपको हम दिखा रहे हैं कि एक केन जो है कैसे लेकर पूरा कैंपस का राउंड लगाया जाता है। हमारे कैमरामैन ने कोशिश किया दिखाने का, तो ऐसे ही करते हैं, एक 50 रुपए का केन खरीदते हैं और पूरा कैंपस का टूर लगाते हैं सुबह से शाम तक। वो डिब्बा फेंकते नहीं, वो क्लास सुबह लेते हैं और शाम को फेंकते हैं। हमको लगता है साला लेकर हॉस्टल चली जाती होंगी, वहाँ पे रख देती होंगी और फिर से पानी भर के दूसरे दिन लेके आ जाती होंगी, वो जब तक ग्लास पुराना ना हो जाए उसको फेंकती नहीं होंगी। भाई ये चीज़ हमें देखकर बहुत हंसी आती है भाई। एक और चीज़ देखना, मना करेगा नहीं, पढ़ गया अबे तुम पढ़ गया हो ना, बड़ा देख क्या बोला अभी मैंने, ऐसी चूतिया बना बना के साला 8.5 CGPA ले आया हमारा। x = a, print तुमको आता नहीं तो प्रिंट का पढ़ के बाय टू सर, जा रहे अब एग्जाम देने हम लोग। गाइस ऑल द बेस्ट कर दो सब लोग, ऑल द बेस्ट नहीं साले, ये लोग पढ़ के आए फंसेंगे हम ही, क्योंकि हम सोचे थे ऑनलाइन होगा एग्जाम हमारा इसीलिए हम खुश थे, लेकिन पेपर पे होगा अभी सुनने को आ रहा है इसीलिए हम पढ़े नहीं है कुछ। ऑनलाइन और पेपर में कितना डिफरेंस होता है समझ जाओ, समझ ही रहे होंगे यार वो लोग। पिछले सेमेस्टर में तो कैसे कैसे निकल गई पाइथन, लेकिन 85 नंबर निकली नहीं है, स्टॉप बहुत अच्छे से निकली है, 85 आया हमारा। मैं तो वही करूँगा, जय श्री राम बस, MCQ या मारता जाऊंगा खच खच खच। लेकिन भाई अगर मैं जय श्री राम करूंगा तो हर बार तो ABC पे ही आएगा। आज पूरा कैंपस खाली है क्योंकि आज है सैटरडे ना, सैटरडे को बहुत कम ही लोगों का एक्स्ट्रा क्लास या फिर क्लास लगती है, जैसे यहां ही खाली है इतने तो बच्चे। अबे हां भाई सैटरडे को भीड़ है लेकिन ये देखो चल, 3 चांस मिलता है मैं पास होने के लिए, अगर 1 में फेल हो 2 में पास हो तो 2 ही के इंक्लूड होते हैं, इसीलिए थोड़ा कम टेंशन है, इसके बाद 2 में अच्छे नंबर ला देंगे हम। पेपर बहुत बेकार जाएगा, साफ साफ बात ठीक है, ओके बाबा। चीटिंग वो 4 रूल देगी, 5-5 नंबर हमेशा माइनस करेगी। हमारे जो टीचर एग्जाम ले रही है ना, वही इसका भी टीचर है, इसीलिए ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि कितनी हार्ड पेपर है। चलो A few moments later. एग्जाम हो गया हमारा, हमारे टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थे तो समझ जाओ पेपर कैसा गया हमारा। अच्छा हुआ MCQ था, अर्न संड मार दिया है, लेकिन अब पता नहीं कितने नंबर आते हैं, भगवान जाने। कोई टेंशन नहीं कन्हैया, जिसके नाम के पीछे में मिसिंग हो। अबे पेपर कैसा गया? पेपर मेरा बहुत अच्छा गया है, मैंने रात में पढ़ाई की है
मेरा पेपर तो अच्छा गया, तुम लोग का बेकार गया है ना? हमारा भी अच्छा गया, एक नंबर। हम दोनों की सेम टीचर थी, पहले इसका सी हुआ, उसका मेरा हुआ। ये बोला अच्छा गया, मेरा बहुत गंदा गया, कितने सेट बना के बहुत गंदा गया। ये देखो एमसीक्यू था तो काम हो गया हमारा, अब देखो क्या होता है। हम फालतू इसमें गाड़ी घिस के उसका आंसर निकाल रहा हूँ, क्योंकि आप बताइए, यही मेरे को क्वेश्चन पेपर मिल जाए और ये साला कोई और फॉरवर्ड किया था। जो पेपर ये फॉरवर्ड किया था वो इसका पेपर नहीं था साले का, जूते साला हरामी। कंपाइलेशन एरर करके आया उसमें, लेकिन मेरे को सारे आंसर में कंपाइलेशन एरर लग रहा था। लड़कियां देवी का होता, तुम लोग भी उसके जिम ज्वाइन करो बेटी। ये देखो यहाँ तो ऐसे ही नजरें उड़ाती, आगे कुछ बोला ही नहीं जाता। लड़कियां देवी की अवतार होती है। अबे ये सब बातें कर रहा है और सारा देख रहा है। ये आ गए हम यूनिमॉल, एग्जाम खत्म हो गया ना, अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं भाई। रिलैक्स करते हैं, पेपर के लग गए। सैटरडे को तो ऐसे हमारा छुट्टी होता है, लेकिन आज भी हमारा पेपर, तो अब एंजॉय करना बनता है। यहाँ हमें एक बुलेट दिखी तो अंदर जाते हैं और इनको पूछ के आते हैं कैसे मिलेगा हमें। तो लोग बैठे हैं, अब सोच रहे हैं मिलेगा कैसे उसको, अंदर जाके पूरा प्रोसेस पूछते हैं। लोन उन निकलवाना, लोन ऑन भी देंगे, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड और स्प्लेंडर यही दो गाड़ियों का बाइक माना जाता है। सब लोग मिला इंस्टेंट पॉकेट लोन। तुम्हारे जेब में क्या रुपया पड़ा? मेरे पास 150 रुपया। 150 रुपया, मेरे में 5 रुपया पड़ा, उसमें पूछो क्या रुपया पड़ा है। 305 रुपया हो गया। 305 रुपया, 305 कटियार के बाद 15 रुपया। वो तो मांगने लगेगा। नहीं नहीं, कटियार के पास 5 रुपया हो, आज मंदिर के दान पेटी से चुरा के लेके आया, बोलना मत किसी से। इसीलिए वो रोज पूजा करके वो 15-15 रोज लेता है। 105 रुपया हो गया। तो क्या मिला इसमें, क्या मिला ये बताओ। वो बुलेट दे रहे हैं यार, पॉकेट इंस्टेंट पॉकेट लोन। मैंने अरे साला इंस्टेंट मतलब अभी पॉकेट में लोन आएगा, पॉकेट तुम्हारी जेब से पैसा निकल जाए उतने मिल जाएगा। अभी मतलब बुलेट को घूम आ गया, आ गया कहां चोरी करने गया था पूछो तो। लैंडिंग साफ करके लवली सूट्स के दान पेटी में से कितना रुपया लिए? 500। देखे कहीं नहीं, बात सही है साला इसका, इसीलिए रोज टीका भी लगा के आता है। कॉफी नहीं। आओ ये ले, आओ बुलेट देख ले, आओ बुलेट बुलेट। अबे ले लिया जाएगा, हमें ऐसे भी बाइक चाहिए अभी। भैया पलंग तोड़े में मिलाते हैं जो पलंग 1980 से जब से ये लॉन्च किया है अपना दुकान, तब से ये बर्फी का नाम रखा है पलंग। अरे साहब बेटा जी, एक नई रेसिपी है, बताइए क्या। अरे जो अभी पलंग तोड़ रहे हैं भाई। अच्छा पलंग तोड़ बैठो, पलंग तोड़ नाम है। पलंग तोड़ बर्फी अजीब नाम है भाई, पलंग तोड़ बर्फी। भाई पलंग पे चढ़ के बना रहे होंगे, पलंग और टूट गया होगा बेटा, ये खराब पलंग तोड़ रखे भाई। अब हम पहुंच गए अपने हॉस्टल, मॉल वगैरह घूम लिया, खा पी लिया, पेट वेट भर गया, अब हम चलते हैं रेस्ट करने। थक गए, सैटरडे हमारा पूरा वेस्ट हो गया। वीडियो का हम यही ख़त्म करते हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उसका दिल से धन्यवाद, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।